जो चीन में लगातार कोरोना वायरस से पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ रही थी वो कम हो गई है और 90% केसेज अब ठीक हो रहे हैं। 90% से ज़्यादा केसेस ठीक हुए हैं और सिर्फ 10% केसेज ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस में हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इस बीच चीन से एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर आई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार चीन में लगभग 89% कोरोना वायरस मामलों में लोग ठीक होकर अस्पताल से छूट चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में प्रकोप की शुरुआत हुई थी उसके बाद से देश में दर्ज किए गए 81,093 मामलों में से 72,703 केसेस ठीक हो चुके हैं, जबकि इस समय अस्पतालों में केवल 5,120 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच चीन में कोरोना वायरस के कोई घरेलू मामले सामने नहीं आ रहे हैं। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि चीन ने कोरोना वायरस के नए घरेलू मामलों की सूचना नहीं की है, लेकिन 39 विदेशी संक्रमणों की पुष्टि हुई है, जिससे चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 3,270 हो गई है। दोस्तों, चीन फिलहाल देश विदेश से आने वाले लोगों की कड़ाई से रोकने की कोशिश कर रहा है और चीन की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि 22 मार्च को 12 बजे तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग को चीनी मुक्त भूमि और जिंगजियांग उत्पादन और निर्माण कोर पर भी 31 प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों में 81,093 मामलों की पुष्टि की गई है। ये 3,270 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ 72,703 लोग अस्पताल से ठीक होकर जा चुके हैं, इस रिपोर्ट में कहा गया है। और चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अभी भी 5,120 केसेस चल रहे हैं, 5,120 मरीजों का इलाज लगातार चल रहा है और गंभीर स्थिति में 1,749 केसेज हैं और 136 अभी संदिग्ध भी भरे हुए हैं। चीन में कोरोना वायरस के केंद्र रहे हुबेई प्रांत की बात करें तो यहाँ रविवार को एक भी मामला सामने नहीं आया, जबकि यहाँ 447 मरीज ठीक होकर अस्पताल से छूट चुके हैं। इनमें वुहान में शामिल 434 लोग भी शामिल हैं। और इस बीच चीन में कोई घरेलू मामला सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ 39 विदेशी मामले सामने आए हैं, जिनमें से 10 बीजिंग में सामने आए हैं। दोस्तों, ये थी बहुत बड़ी खबर कि 90% के आसपास से ज़्यादा मामले ठीक हो चुके हैं चीन में और अभी कुछ का इलाज चल रहा है। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत। दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोशिश कीजिए कि हम भी चीन से कुछ सीख सकें, घरों से बाहर ना निकलें, अपना ख्याल रखें। जो भी बताए जा रहे हैं, जितने भी हम कोशिश कर सकते हैं इसके बचाव के लिए, उतनी पूरी कोशिश करें। हमारा प्रयास 100% होना चाहिए। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।